हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। और यहाँ पे अभी आए थे गंगा घाट के पास आरती का वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, बारिश हो गया है। बारिश होने के कारण यहाँ पे अब मतलब आरती होने का संभावना बहुत ही कम है। देखते हैं, वेट करके और देखते हैं, आधा घंटा अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी तरह जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं बारिश में किस तरह लोग नहा रहे हैं। और अभी हाल में अभी तुरंत हुआ था क्या, कुछ बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे, इधर जैसे देख सकते कुछ बच्चे नहा रहे थे तो क्या हुआ था, डूब गए थे। तो अचानक से ये SDRF है कि क्या है, ये जो और ऑरेंज कलर के ड्रेस में यही बचाए थे दो बच्चे को। तो अभी देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा पूरा, इतनी बारिश हो रही है, अभी बहुत मूसलाधार बारिश भी हुई थी कुछ देर पहले, उसके बावजूद भी इतना भीड़ है, भीड़ यहाँ हटने का नाम नहीं ले रही है। इस साइड भी देख सकते हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी आप बोट का इसका आनंद उठा सकते हैं, और उधर भी स्टीमर लगा हुआ है वहाँ का, उसका भी आनंद उठा सकते हैं। और ये तो नाव का, यहाँ देसी नाव का ले ही सकते हैं, इसमें नाव में पानी घुस गया तो पानी निकाल रहे हैं, और यहाँ पर जाने के लिए भी तैयार हैं। तो गाइस लगता है कम ही चांस है कि आरती होगा, क्योंकि फिर से बारिश हो रहा है, एकदम स्टार्ट हो गया है, मेरा सर तो पूरा भींग गया है। लेकिन फिर भी मैं सोचा क्या कि अंतिम में अगर वेट कर लेते, अगर हो जाता तो ठीक है। देख सकते हैं इधर हल्ला कर रहे हैं एकदम अचानक से, मैं भी मेरा भी पूरा नहाने का मन है, लेकिन हुआ क्या, मैं अकेला आया हुआ था इसी वजह से नहा नहीं पा रहे, क्योंकि देखिए एक तो फ़ोन आईफोन भी है, एक ये वाला भी फ़ोन है, दो दो फ़ोन है, रिस्क नहीं ले सकते। अगर एक फ़ोन रहता तो थोड़ा रिस्क भी ले सकते, क्योंकि रख के नहाने चले जाए, कोई बैग लेके चला गया लेके भी जाएगा, लेकिन बता क्या इधर उधर कुछ हो गया तो डर है थोड़ा सा, इसी वजह से नहीं जा सकते। और बारिश हो रहा है, अभी भी बारिश हो रहा है, फिर भी देख रहे हैं भीड़ हटने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ पे से।
आरती भगवान की आरती उतार के आरती लेने से समस्त जीवन का जो दुख होता है वो कमती है, प्रभाव कमता है, सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है आरती से। नहीं, अगर जैसे कोई पूजा करवाना चाहता हो तो यहाँ पे कैसे करवा सकते हैं? यहाँ तो पूजा का जो व्यवस्था है बिहार पर्यटन के माध्यम से, कोई अगर वैसे व्यक्ति आते हैं तो उनको पूजन करा दिया जाता है। कैसे, कहाँ पे ये इसका ऑफिस? पूजन ये पटना में है, पटना में होटल बिहार। कहाँ पे? होटल बिहार सोन भवन के पास। एड्रेस जैसे बाबा बताए वहीं पे आप जा सकते हैं, और वहाँ से क्या करवाना होगा? वहाँ से कुछ कराने की आवश्यकता नहीं, जिनको पूजा करनी होती है आते हैं उनको पूजन करा देते हैं, बस हो जाता है। आप लोग मिलेंगे कैसे अगर दिन में? हम लोग तो हम लोग शनिवार रविवार यहाँ प्रत्येक शनिवार रविवार को आपको यहाँ मिल जाएगा, शाम में ही। शाम में, सुबह में अगर किसी को सुबह वाली शाम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बाबा? सत्येंद्र। तो गाइज यहाँ पे आरती फाइनली कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं क्या कहते हैं, और बारिश हुआ था आज, फिर भी उसके बावजूद भी आरती हुई थी, क्योंकि आरती का टाइमिंग 6:30 तक हो जाती है, लेकिन फिर भी आज जैसे अभी 8 बज रही है, 8 बजे तक आरती हुई खत्म, मतलब जब बारिश खत्म हुई तब, और मूसलाधार बारिश होने के बावजूद भी इतना भीड़ यहाँ पे था कि मत पूछिए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी बारिश होने के कारण, और ना ही बारिश होती तब तो और बहुत ज़्यादा भीड़ होती, क्योंकि NIT घाट जो यहाँ भी, यहाँ से बाहर निकलने में बहुत समय लगता है, क्योंकि मतलब 1 घंटा कम से कम आपको निकल जाएगा, इतना रश और इतना भीड़ होती है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह बनारस में होती है उसी तरह सेम टू सेम यहाँ भी होती है, उसी तरह की भीड़ से। अगर आप जैसे क्या कि आप इधर नहीं खड़ा होगे, आप अगर आप सामने जिस तरह आरती होती है सामने खड़ा होना चाहते तो वहाँ पे भी आप बोट लगती है, और वहाँ पे आप मतलब यहाँ पे बोट हाउस है तो वहाँ पे टिकट काउंटर पे जाकर टिकट लेके आप डायरेक्टली आरती जहाँ पे होती है, और यहाँ से सीधा वहाँ से आप डायरेक्टली बोट से दर्शन कर सकते हो यहाँ पे आरती के लिए। और अब धीरे धीरे सब कोई घर जा रहे हैं तो हम भी घर जा रहे हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर देना एज मच एज यू कैन। यहाँ बुकिंग के बारे में बताए थे, बिहार टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, समाइन टिकट 150 दर 1 घंटा, पैकेज बुकिंग 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 14,700, समय 11 बजे से संध्या 6 बजे तक, सोमवार बंद। पूरा और यहाँ बारिश हुआ था उसकी वजह से पुलिस आ गई।